नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हमने इन टैंकों को शिफ्ट करने का काम किया है, क्योंकि दोस्तों ये टैंक जिस प्लेटफॉर्म पे रखे हुए थे, इस प्लेटफॉर्म का स्लोप ठीक नहीं था। इसका स्लोप दीवार की तरफ था, जिसके कारण टैंक ओवरफ्लो होने पर या बारिश होने पर पानी दीवार के साथ में जाके इकट्ठा हो जाता था, जिसके कारण इसके नीचे छत पे और दीवार पे काफ़ी सीलन आ गई है, जिसके कारण पेंट भी ख़राब हो गया है। इसलिए दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के लिए हमने इन टैंकों को साइड में टेम्परेरी तौर पर सेट किया है, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म रिपेयर हो सके और पानी की सप्लाई भी चालू रहे। इन टैंकों को दोस्तों हमने शिफ्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल 1.5 इंच के रबड़ के पाइप का प्रयोग किया है, साथ ही कुछ CPVC फिटिंग का भी यूज़ किया है। इसमें दोस्तों हमने जितनी भी CPVC फिटिंग यूज़ की है, ये देखिए दोस्तों, इस फिटिंग को हमने सॉल्वेंट से नहीं सेट किया है, कच्चा ही सेट किया है, ताकि बाद में ये फिटिंग हमारे काम आ सके। और ये जो पाइप था दोस्तों हमारे पास, वो भी वेस्ट पड़ा हुआ था, उसी का हमने प्रयोग कर लिया। ये भी एल्बो दोस्तों हमने कच्ची ही लगाई हुई है, ताकि बाद में निकल सके, क्योंकि दोस्तों ये 4-5 दिन का काम है, उसके बाद हमें टैंकों को दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना होगा। इसलिए दोस्तों हमने कॉस्ट को कम करने के लिए और फिटिंग को बचाने के लिए कच्चा ही फिटिंग का प्रयोग किया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम परमानेंट सॉल्वेंट से जोड़ देते तो ये फिटिंग ख़राब हो जाती और हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को हमने रिपेयर करने के लिए पहले इसकी जो पुरानी RCC थी, उसको हमने मशीन की सहायता से दोस्तों निकाल लिया था, क्योंकि दोस्तों अगर हम डायरेक्ट इसी के ऊपर नई RCC डाल देते तो दोस्तों वो RCC कुछ दिनों बाद छूट जाती, उसमें क्रैक आ जाते, क्योंकि सूखने के बाद RCC पुरानी वाली और नई वाली के बीच में गैस बन जाती, जिसके कारण उसमें क्रैक आ जाते। दोस्तों ये 100% क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने पुरानी RCC को नहीं छुटाया तो क्रैक तो आना ही आना है। इसलिए दोस्तों परमानेंट एक ही बार में काम हो, इसलिए हमने ये पुरानी RCC को हटा दिया, ताकि हमारा काम पक्का हो, मजबूत हो और बाद में कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके वीडियो शेयर करने से और लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।